हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जे टेक्नो। आज हम रिव्यू कर रहे हैं KTM की ऑल न्यू ड्यूक 250 BS6 की। आज हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में और BS6 में क्या क्या नए अपडेट इस गाड़ी को मिली है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। यह है KTM की नई BS6 ड्यूक 250। इस बाइक को BS6 अपडेट मिलने के बाद ही एक और अपडेट मिला कुछ महीने बाद LED हेडलाइट का, जिसमें आपको ड्यूक 390 का जो LED हेडलाइट सेटअप है वो इस बाइक में दिया गया। फिलहाल हमारे पास रिव्यू के लिए LED वेरिएंट अवेलेबल नहीं हो पाई है, लेकिन हम जल्द ही उसका भी रिव्यू लेकर आएंगे। चलिए एक नज़र डालते हैं BS4 और BS6 ड्यूक 250 में क्या क्या चेंजेस हुई है। तो यहाँ पे आपको दो नए कलर मिलते हैं, एक है ब्लैक ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में, इसमें आपको व्हील भी ऑरेंज कलर के मिलते हैं, और दूसरा है ग्रे, जहाँ आपको ब्लैक व्हील देखने को मिल जाएगा। पर्सनली मुझे ग्रे कलर इसमें बहुत अच्छी लग रही है। आपको इनमें से कौन सा कलर पसंद है आप हमें कमेंट पे जरूर बताइए। सेकंड, यहाँ पे आपको LED हेडलाइट न्यू ड्यूक 250 में मिलता है, जो हमने आपको शुरू में बताया। थर्ड मेन बड़ा चेंज है इस बाइक में, वो है सुपर मोटो ABS का। डुअल चैनल ABS तो आपको प्रीवियस डुक में भी मिलता था, लेकिन सुपर मोटो ABS एक नया फीचर इस बाइक में ऐड हुआ है, जहां पे आप अपना रियर ABS को ऑफ कर पाते हैं और बाइक को आप आसानी से स्लाइड कर पाते हैं। रोड मोड में आपका दोनों ABS ऑन रहता है, जिससे काफी अच्छी सेफ्टी मिलती है आपको रोड पे। अगला चेंज है इस बाइक में, अब आपको BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जिससे पॉल्यूशन जो है बहुत कम होती है। एक बात आप सबने नोटिस की होगी कि BS6 अपडेट के बाद पावर बहुत से बाइक में कम हो गई है, लेकिन इस बाइक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पावर टॉर्क बिल्कुल सेम है प्रीवियस ड्यूक में जो आपको मिलता था। अब इसका ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे कम हुआ है, 151 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलती है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट पाइप जो है वो पहले साइड से होकर जाती थी, अब ये डायरेक्ट नीचे से जाती है। इसका एडवांटेज है कि आपको हीटिंग का इशू यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। डिसएडवांटेज है कि आपको ब्रेकर वगैरह में धीरे करके बाइक निकालनी होगी। बाइक की वेट जो है वो भी यहाँ पर बढ़ गई है, 162 kg अब इसका ड्राइव वेट हो गया है। ये कुछ चेंजेस हुए हैं इस बाइक में, नए फीचर्स ऐड हुई है, साथ ही इसकी प्राइस भी यहाँ पे बढ़ गई है पहले से। हेलोजन बल्ब की एक्स शोरूम प्राइस है 2,05,000 rupees और LED वेरियंट के एक्स शोरूम प्राइस है 2,09,000 rupees। ये बाइक ऑन रोड पड़ती है 2,39,000 rupees भिलाई में। प्राइस भले ज्यादा है इस बाइक की, लेकिन जो परफॉर्मेंस ये बाइक देती है ना, इस सेगमेंट में आपको किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलेगा। तगड़ा पावर है इस बाइक में, 30 BHP की 24 Nm का टॉर्क है। ये जस्ट नंबर नहीं है, एक्चुअल में ये बाइक आपको चलाने में समझ में आता है। आप ड्यूक 250 चलाओ, उसके बाद कोई भी 250cc सेगमेंट की बाइक चला लो, आपको ड्यूक 250 वाली फीलिंग उसमें नहीं मिलेगी। इस बाइक की टॉप स्पीड है 148 km/h की। ड्यूक 200 को पहले इंडिया में लॉन्च किया गया था, उसके बाद 390 को लॉन्च किया गया, बट प्रॉब्लम ये थी कि ड्यूक 200 में पावर थोड़ा कम लग रहा था और 390 बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक थी, तो इसके बीच का ऑप्शन बायर को चाहिए था और वो मिला ड्यूक 250 में। चलिए एक नज़र इस सेगमेंट में आने वाली बाइक पर भी डालते हैं। तो इसकी फर्स्ट कॉम्पिटिटर है बजाज की डोमिनार 250, जिसमें आपको 27 BHP की पावर मिलती है और प्राइस है 1,64,000 rupees एक्स शोरूम। यहाँ पर भी आपको स्लीपर क्लच मिलता है, 6 स्पीड का गियरबॉक्स ट्रांसमिशन दिया गया और इसमें DOSC 4 वाल्व इंजन मिलता है। दूसरी बाइक है सुजुकी की जिक्सर 250, इसमें आपको 26.5 BHP का पावर मिलता है और इसकी प्राइस है 1,68,000 rupees एक्स शोरूम। लेकिन यहाँ पे आपको ऑयल कूलिंग मिलती है, लिक्विड कूलिंग यहाँ पर आपको नहीं देखने मिलता है। 6 स्पीड का गियरबॉक्स ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन स्लीपर क्लच मिसिंग है। यह SOSC 4 वाल्व इंजन है। अगली बाइक है यामा की FZ25, जहाँ पे आपको सबसे कम पावर मिलता है 250cc सेगमेंट में, 20.1 PS की पावर है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,52,000 rupees। इसमें आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है और यहाँ पे स्लीपर क्लच मिसिंग है। यह SOSC 2 वाल्व इंजन है। अब लुक्स की बात करते हैं, तो इसके साइड में आपको ड्यूक 250 की बैजिंग देखने मिलती है। हेडलाइट के साइड में आपको ऑरेंज स्टिकर देखने को मिलता है, जो इसके स्पोर्टीनेस को और भी एनहांस करती है। LED के ब्लिंकर है इसमें, जो आपको शुरू से देखने मिलता है ड्यूक में, और टेल लैंप भी आपको LED की मिलती है, जो काफी स्टाइलिश स्पोर्टी लुक में है। सीट यहाँ पे आपको स्प्लिट देखने को मिलता है, साथ यहाँ पे स्टाइलिश ग्रैब रेल भी दी गई है।
इसका ट्रेलिस फ्रेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जो आपको अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और देखने में भी ये बहुत सही है प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट बाइक। और साथ ही एल्युमिनियम स्विंग आर्म वाइड रेडियल टायर इसके कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब बाकी स्पेक्स की बात करते हैं तो इसमें 248.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व DOHC BS6 इंजन लगा है। इसमें फ्यूल इंजेक्शन आती है, लिक्विड कूलिंग है। बाइक में आपको 6 स्पीड का गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिलता है विद स्लिपर क्लच। फ्रंट में आपको WP की एपेक्स USD फोक मिलती है 43mm की और रियर में मोनोशॉक है जो कि 10 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आता है। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। दो बटन यहाँ पे आपको मिलते हैं, मोड और रीसेट। इसमें साइड स्टैंड सेंसर है, लो फ्यूल इंडिकेटर है, एक्चुअल फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल रेंज है, सर्विस रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन फ्यूल रेंज आपको तभी दिखेगा जब गाड़ी रनिंग कंडीशन में हो। यहाँ पे आपको दो ट्रिप भी मिल जाता है, ट्रिप में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन क्या रहा, ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी गियर पोजीशन इंडिकेटर है, टैकोमीटर है, इंजन टेम्परेचर और क्लॉक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। बाकी इंडिकेटर और ABS की लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। रीसेट बटन को अगर आप कुछ देर तक होल्ड करके रखेंगे तो आप ABS को स्विच कर सकते हैं सुपर मोटो मोड में और रोड मोड में वापस से। स्विचेस की क्वालिटी यहाँ पे आपको डिसेंट मिलती है और इसमें आपको बैकलाइट भी देखने को मिल जाता है। टायर की बात करते हैं तो फ्रंट में आपको 110/70 सेक्शन 17 इंच के टायर मिलती है और रियर में काफी वाइड टायर है 150/60 सेक्शन 17 इंच की। यहाँ पे आपको MRF के ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है और बाइक की माइलेज है 28 से 32 KMPL की और बाइक आपको टैंक रेंज प्रोवाइड करती है 400 किलोमीटर की। एग्जॉस्ट नोट यहाँ पे सिंगल यूनिट, चलिए इसकी आवाज हम सुनते हैं। एग्जॉस्ट नोट में काफी बेस यहाँ पे आपको सुनने को मिलता है। सीट हाइट बाइक की 823mm की है लेकिन कई वेबसाइट में 830mm मेंशन किया गया है। यहाँ तक कि ऑफिशियल वेबसाइट में भी लेटेस्ट डिटेल्स अपडेट नहीं है। अभी तक बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन BS4 की डली है तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बैठने से सीट हाइट ज्यादा है ये समझ में आ रही है। मेरी हाइट 5.7 है तो मैं बाइक को आराम से हैंडल कर पा रहा हूँ, लेकिन आपकी हाइट 5.6 से कम है तो आपको दिक्कत यहाँ पे जरूर होगी। अब बात करते हैं बाइक चलाने में कैसी है तो इसका एक्सेलरेशन इस वक्त बहुत सही है। आप जैसे ही एक्सेलरेटर देंगे बाइक तुरंत पुल करती है। इंजन रिफाइनमेंट अच्छी हो गई है BS6 में पहले से। गियर शिफ्टिंग भी इसकी काफी लाइट है। स्लिपर क्लच से आपकी डाउन शिफ्टिंग काफी अच्छी होती है और क्लच भी इसका यहाँ पे काफी स्मूथ है। राइडिंग पोजीशन अपराइट है लेकिन ये स्पोर्टी भी है। आपके पैर थोड़े रियर सेट होते हैं और आप सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं तो इसे आप डेली सिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये टूरिंग लॉन्ग राइड के लिए भी बहुत सही बाइक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे सीटिंग आपको ज्यादा सॉफ्ट नहीं मिलेगी, थोड़ी हार्ड है। KTM की बाइक की सीटिंग ऐसे भी हार्ड होती है और सस्पेंशन भी यहाँ पे ज्यादा सॉफ्ट सेटिंग पर नहीं है। आप चाहें तो इसके रियर सस्पेंशन को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ब्रेकिंग यहाँ पे बहुत सॉलिड है, चाहे फ्रंट ब्रेक की बात करें या रियर की, दोनों का बाइट यहाँ पे काफी अच्छा है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि हमें ड्यूक 250 क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये आपके नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, प्राइस कोई मैटर नहीं करता है, तो फिर ड्यूक 250 आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक है इस सेगमेंट में। लेकिन मेरा मानना है अगर आप 2,40,000 रुपये पे कर रहे हो तो कुछ और पैसे इन्वेस्ट करके 3,00,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में आपको ड्यूक 390 लेना सही ऑप्शन रहेगा। अगर आप 390 की पावर मैनेज नहीं कर पाओगे तो ड्यूक 250 सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आपका बजट फिक्स है, कम प्राइस में बेस्ट बाइक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बजाज की डोमिनार 250 सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाती है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी राइड करें तो हेलमेट जरूर पहने। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई बाइक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चलिए दोस्तों, आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ, धूप।